Hey everyone! एवरीवन दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और अब हम देखने वाले हैं दी पोएम गिवन इन योर चैप्टर दैट इज नो मैन आर फॉरेन एंड इट्स रिटन बाय जेम्स करकप अब ये पोएम जो है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीसफुल पोएम बिकॉज आपको पोएट जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज कन्वे करते हैं फ्रॉम दिस पोएम अब इस पोएम में exactly क्या बोल रहे हैं पोएट वो देखने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम नाउ इट इज नो मैन आर फॉरिन फॉरिन का मतलब क्या होता है दोज हु डो नॉट बिलोंग टू आर कंट्री हम उन्हें बोल देते हैं दे आर फॉरिनर्स या फिर जो कंट्री होती है उसे कह देते हो फॉरिन कंट्री सो है द पोएट वॉन्ट्स टू टेल यू दैट नो मैन आर फॉरिन दैट मीन्स देर इज नो बडी ऑन दिस अर्थ

फॉरनर की तरह ट्रीट करो या फिर उन्हों डिफरेंट ट्रीट करो किसी को क्योंकि हर एक इंसान क्या है भाई सेम है किस तरीके से सेम है सभी को अब आप देख लो क्या कोई ऐसा है जिसको यू नो गॉड ने दो आंख जगह चार आँख दियो नहीं हैज टू हर किसी के पास वन नोज है है जब कोई सोता है, तो हर कोई आंख बंद करके सोता है जब कोई उठता है तो हर किसी की आंख खुलती है यानी डिफरेंस क्या है सभी तो कुछ सेम हुआ सिमिलरली जो भी सनलाइट हमें रिसीव होती है वही सेम सनलाइट हर एक ह्यूमन बींग को रिसीव होती है ऑन दिस मदर अर्थ एवरीबडी ड्रिंक्स वॉटर एवरीबडी ईट्स फूड हर जगह एग्रीकल्चर या फार्मिंग के थ्रू ही यू नो फूड प्रोड्यूस होता है तो जब हर एक चीज़ सेम है देन वॉट इज दैट जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर सम पीपल जो कि डिफरेंट हैं या फॉरेनर्स हैं अब यहाँ फॉरेनर्स का मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम कि सिर्फ यू you नो know, डिफरेंट कंट्री को बिलोंग करने वाले बल्कि वो लोग जिन्हें हम कंसिडर करते हैं एज आर एनिमीज हम जो हैं वॉर्स वगैरह जो या फाइट्स वगैरह जो होती हैं उन सब में इंडल्स हो जाते हैं बिकॉज वी थिंक वो लोग क्या हैं, डिफरेंट हैं जिनके साथ भी वॉर होता है वो क्या है डिफरेंट हैं, वो फॉरेनर्स हैं, बट दैट इज समथिंग जो कि आपसे ल्यूटली फॉल्स होना चाहिए बिकॉज यहाँ जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया भाई एवरीबडी हैज द सेम अपियरेंस

इन दिस मदर अर्थ इन दिस लैंड तो इसका मतलब हर एक चीज तो सिमिलर है राइट सेम वे में ये जो पोएट हैं, वो भी हमें यही कन्वे कर रहे हैं कि जब भी हमें ये चीज़ बोली जाती है यू you नो know, कि वी शुड इन इन अ वॉर या फिर कुछ लोग हैं जो कि हमारे एनिमीज हैं वी शुड ऑलवेज बी अगेंस्ट देम तो वो सब चीज़ें क्या हैं वो सब रॉन्ग हैं एंड वॉट वी अल्टीमेटली डू एस वेन वी गेट इन इन अ वॉर हम क्या करते हैं हम जो है खुद ही को चीट कर रहे हैं हम खुद की मदर अर्थ को इम्प्योर बना रहे हैं वन देर आर वॉर्स इतना ज़्यादा ब्लड शेड होता है कि उसकी वजह से हमारी ब्यूटिफुल मदर अर्थ जो है वो क्या हो जाती है पल्यूट हो जाती है वॉर्स में वेपन्स का यूज़ होना बॉम्ब्स का यूज़ होना इसकी वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उससे जो हमारी एयर है वो भी क्या हो जाती है पल्यूट हो जाती है तो अल्टीमेटली हम जो है अगर किसी वॉर में इंडर्ज भी होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं अपनी मदर अर्थ अपनी एयर इन सब

So this poem is written by James Kirkup was an English poet translator and travel writer. He wrote over 45 books including autobiographies, novels and plays. So he is a very well known poet इन्होंने सिर्फ यू नो ब्यूटिफुल पोएम्स ही नहीं बल्कि ही हैज़ रिटन अ लॉर्ड ऑफ बुक्स फोर्टी फाइव के अराउंड बुक्स वो लिख चुके हैं जिसमें आप ऑटोबायोग्राफीज कंसिडर कर लीजिए नोवल्स कंसिडर कर लीजिए प्लेज जो ड्रामाज होते हैं वो देख लीजिए सो ही इज़ समन जो कि बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश पोएट हैं एंड ही इज ऑल्सो द वन जो यू नो डिफरेंट लैंग्वेज की पोएम्स या स्टोरीज को दूसरी लैंग्वेजेज या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सो दिस पोएट इज़ डेफिनेटली वेरी वेल नोन वन तो इन्हीं की एक राइटिंग जो है हम पढ़ने वाले हैं ुलर पोम दैट इज नो मैन ऑफ फॉरिन मीन दैट नो मैन बिलोंग टू अदर कंट्री या अनादर कंट्री दोइ वॉन्ट्स टू सेम एंड ऑल मैन आर इक्वल यहां पर ऑल मैन से हम क्या समझ रहे हैं ऑल द ह्यूमन बींग्स यानी पोएट जो हैं वो यही बोल रहे हैं कि एवरी लिविंग बींग एवरी ह्यूमन बींग वेदर इट्स अ मैन वेमेन बॉय गर्ल चाइल्ड एवरी वन इज सेम क्योंकि सिर्फ हम थोड़े बहुत दिखने में डिफरेंट होते हैं ताकि यू नो आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि ये कौन है हम डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ देर आर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स बट होता क्या है जो बॉडी है बिनीत दिज यूनिफॉर्म्स बनीथ दिज ड्रेसेस वो तो सेम ही है राइट एवरी वन इज सेम और हर एक चीज जो हम रिसीव करते हैं फ्रॉम दिस नेचर जो भी हमें बाउंट्रीज मिलती हैं फ्रॉम दिस नेचर वट एवर रिवॉर्ड वी गेट एवरी रिवॉर्ड इज ऑल्सो रिसिव्ड बाय अदर पर्सन तो हर एक चीज क्या हो गई सेम हो गई राइट right? तो क्या होना चाहिए ये कि नो बडी इज डिफरेंट एवरी बडी इज सेम और यही एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बहुत ब्यूटिफुली पोर्ट्रे होता है दैट इज ऑल आर वन क्लियर तो इस पूरी पर्टिकुलर पोयम में हम इसी लाइन पर यूनो पूरे डिस्कशन करने वाले हैं दैट द पोइट वॉन्ट्स टू से ऑल मैन आर सेम ऑल मैन आर इक्वल क्लियर सो लेट्स वेरी फर्स्ट टैंस ऑफ दिस पोएम विच से Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes.

That is, there is nobody who is unknown to us. कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि एक स्ट्रेंजर है या हम नहीं जानते कि भाई ये कौन है बिकॉज वी नो एवरी बडी इज वॉट ह्यूमन बींग तो यहां पर जब ये बोलते हैं नो मैन आर स्ट्रेंज इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू टेल आज दैट वेन वील रीड दू नो कंटिन्यूसली ऑल दी स्टैंड एट दी एंड वील गेट टू अंडरस्टैंड दैट पोइट वॉन्ट्स टू टेल यू नो बडी इज स्ट्रेंजर इन दिस वर्ल्ड इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को जानते हैं इसका मतलब है कि हम सब सेम हैं एक जैसे हैं तो फिर ये जो डिफ्रेंसेस हैं वो

जो भी लोग यूनो you यूनिफॉर्म्स know, की बात कर लीजिए कपड़ों की बात कर लीजिए हर एक क्लोथ के अंदर यानी अंडर ऑल द यूनिफॉर्म्स क्या है भाई एवरीबॉडी इज सेम दैट मींस सिंगल बॉडी ब्रीज अब यहाँ पर यूनिफॉर्म्स की जो बात है हम यहाँ दो पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं नंबर वन द सोल्जर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज अब हर एक जो सोल्जर होता है ऑफ डिफरेंट कंट्री उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है राइट right? लाइक like, हमारे कंट्री के सोल्जर्स की अलग यूनिफॉर्म होगी कोई डिफरेंट कंट्री के सोल्जर्स की अलग यूनिफॉर्म होगी एंड ऑल्सो यहाँ हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म्स का मतलब द क्लोथ्स वी वेयर डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट ट्रेडिशंस डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ राइट right? तो वो जो, जो क्लोथ्स है उसकी बात हो रही है, ही कर रही है जैसे हमारी बॉडी ब्रीथ करती है इट मीन दू नो द डिफरेंट ट्रेडिशन आर देयर ओनली वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ हमारे जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बट एज अमन बींग हम सब क्या हैं सेम है लाइक आर्स यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है जैसे हम जो हैं कोई भी टाइप के कपड़े पहने बट वी ऑल आर सेम राइट अंडर दोज यूनिफॉर्म्स अंडर दोज ड्रेसेस दिस मीन्स वॉट कि सिमिलर वे में बाकी की भी जो कंट्री के लोग हैं दे आर ऑल्सो सेम The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. अब यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि जिस लैंड पे हम लोग वॉक कर रहे हैं यानी एवरीबडी ब्रदर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हर एक ह्यूमन बींग जो है द वे वी वॉक ऑन द सेम लैंड बाकी के कंट्रीज के भी जो लोग हैं यानी अदर पीपल जिन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं वो भी सेम लैंड पे वॉक करते हैं एंड इट इज द सेम अर्थ लाइक दिस ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा लैंड जो है वो डिफरेंट अर्थ प्लानट पे है बाकी के लैंड अदर प्लानट्स पे है नहीं इट्स द सेम मदर अर्थ इट मींस जो लैंड है वो तो क्या है भाई सेम ही है एंड जब हम लोग अपनी लाइफ को खो देंगे वेन वी डाई अल्टीमेटली दैट टाइम आल्सो हम कहाँ पे भाई वी शैल लाइ अंडर दिस अर्थ ओनली यानी कि हम इस लैंड पे ही रह जाएंगे सिमिलरली जैसे बाकी के लोग रहेंगे राइट right? जो ग्रेव है वो तो हर किसी की सेम ही होने वाली है ऑन दिस लैंड इट मींस दैट like the people like us hum baat karte hai, like we walk on this mother earth on the same land similarly other people are also walking on the same land and the way we shall lie on the same land after we die the other people will also do the सेम सो इन दिस पर्टिकुलर स्टैंड व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज़ कि यहाँ पोइट हमें एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री आर फॉरेन। यानी कि कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है फॉरेन नहीं है सब एक हैं और जो कंट्रीज हैं वो भी सेम हैं क्योंकि सेम लैंड है जहाँ हम वॉक करते हैं हर एक जो यूनिफॉर्म या डिफरेंट क्लोथ्स की बात कर लीजिए उसके अंडर जो बॉडी है वो तो सेम ही है एज वी आर And similarly the way we will die and lie on the same land similarly other people will also be so in stanza one we can definitely see this one line ki har insan same hai and no countries are foreign is very beautifully depicted in this stanza now let's read the stanza number two which says they too aware of Sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winter start Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Now, in this particular stanza, poet is telling you, they too. They का मतलब क्या है यहाँ पर जो other people की बात हो रही है जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना no men are foreign, यानी yani people belonging to different countries. So they refers to the other country people. And they too are aware of sun, air and water. यानी कि जैसे हमें sunlight मिलती है उनको भी वही sunlight मिलती है द वे वी ब्रीद सेम एयर दे ऑल्सो ब्रीथ इन द सेम एयर एंड ऑल्सो जैसे हमें पानी मिलता है वाटर मिलता है मिला उनको भी पानी मिलता है यानी ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि हम जो है सनलाइट रिसीव करते हैं उनको और कुछ रिसीव होता हो हम जो है पानी पीते हैं उनके यहाँ पर कुछ और हो नहीं तो हर एक कंट्री में सेम तीनों चीजें हैं द सेम रिवॉर्ड्स ऑफ नेचर आर रिसीव्ड बाई एवरी वन ऑन दिस मदर और दैट इज वी रिसीव द सेम सन दैट इज सन लाइट वी रिसीव द सेम वॉटर टू ड्रिंक वी रिसीव द सेम एयर टू ब्रीथ यानी सिमिलर थिंग्स तो हो गई राइट सो जब नेचर डिफरेंस नहीं कर रही है किसी भी कंट्री के लोगों में या हम में देन वाई वी आर यू नो डिफरेंशिएटिंग वाई वी कॉल अदर पीपल एज फॉरिन और अनोन और स्ट्रेंजर्स एवरीबडी इज सेम आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट जब यू नो वॉर का टाइम नहीं होता है या फिर जब बहुत यू नो अच्छी बोल सकते हो प्रोडक्शन होता है फूड बहुत सही हार्वेस्ट होता है तो हर कोई जो है पीसफुली अपने घर में बैठ खाना खाता है हम भी यही करते हैं जब हमारे यहाँ पर यू you नो know, बहुत पीसफुल हार्वेस्ट होते हैं या फिर बहुत अच्छा फूड प्रोडक्शन होता है तो हर कोई अपने घर में शांति से पीसफुली खाना खाता है तो द वे वी ईट आर फूड वैन देर इज नो वॉर वैन देर इज़ पीस सिमिलरली अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग तो ये अगेन एक और चीज़ प्रूफ होती है कि येस नो मैन आर फॉरन बाई लॉन्ग विंटर स्टाफ एंड जब यू नो यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है एक तो वॉर टाइम की एक विंटर सीजन की वेन देर आर वॉर्स गोइंग ऑन जब फाइट होती है दो कंट्रीज के बीच में तब ही क्या होता है देर आर मेनी पीपल जो स्टाफ करते हैं दे डू नॉट गेट एनीथिंग टू ईट दे आर यू नो तो बोल सकते हो स्टार्विंग ऑफ हंगर यानी बहुत भूख लगती है उनको बिकॉज फूड प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ होता बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है वॉर्स के टाइम सिमिलरली विंटर सीजन के टाइम पे भी इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन ना होने की वजह से पीपल स्टार सो दिस इज दी कंडीशन जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में फॉलो नहीं होगी बल्कि जहाँ पे भी वॉर्स होंगे वो हमारे यहाँ हो या कहीं और हो जहां पे भी विंटर सीजन होगा वो हमारे यहाँ हो या फिर किसी और कंट्री में हो एवरीवेयर द कंडीशन इज सेम दैट इज पीपल वुड स्टार सो द सेम वे वेन वी पीसफुली यू नो एंजॉय आर फूड द सेम वे वेन समटाइम्स वी स्टार बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड यही चीज जो है वो अदर कंट्रीज में भी फॉलो होती है सो अगेन दिस प्रूव दैट येस नो मैन आर फॉरन एंड नीदर अ कंट्री इज फॉर क्लियर देयर हैंड्स आर आर एंड इन देयर लाइन वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन अब यहां पे पोएट बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास, उनके पास भी तो ये भी क्या हुआ? हुआ तो कुछ डिफरेंस तो है नहीं और अगर करता है, करता है, काम करता है, तो जिस तरीके से हम उनके हाथ में you know, वो लाइन में एक लेबर पता चल जाता है ना कि इसके हाथ देख बहुत यू नो हार्ड हो जाते हैं जिसने बहुत ज्यादा काम किया हो तो सेम वे पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम अपने हाथ देख लें यानी अपने यहाँ के लोगों के हाथ देख लें जिन्होंने बहुत मेहनत

दे हैव आईज लाइक जब हम यूनोसो you know, के उठते हैं तो हमारी भी दो आईज हैं वो भी ओपन होती हैं. सिमिलरली ह्यूमन है इस मदर अर्थ पे किसी भी कंट्री में चले जाओ किसी भी ह्यूमन बींग को देख लो हर कोई जैसे ही उठता है उनकी आंखें खुलती होंगी हर किसी की दो ही आइज होती है कोई एक्सेप्शनल तो है नहीं राइट right? तो यहाँ पे वही एक लाइन बोलते हैं पोएड की द वे वी वेक आर आईज आर ओपन एंड वी हैव टू आईज द सेम वे अदर पीपल ऑल्सो वेकअप विथ ओपन आईज एंड वेन वी स्लीप आर आईज क्लोज राइट द वे वी स्लीप हम जो है आंखें बंद करके सोते हैं सिमिलरली हर एक ह्यूमन बींग जो है वो आंखें बंद करके सोता है तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है कि कहीं पर कुछ और यूनो सिस्टम फॉलो होता हो राइट right? तो यहाँ फिर पॉइंट हमें यही बता रहे हैं कि रिमेंबर वी ऑल्सो हैव द सेम आईज लाइक अदर्स एंड वी ऑल्सो स्लीपाइथ क्लोजिंग आर आईज एंड वी ऑल्सो वेक अप एंड ओपन आर आइज the same way other people would do and strength that can be won by love और जिस तरीके से you know किसी की भी strength को हम जीत सकते हैं by giving love and affection same way आप बाकी countries में भी ये चीज़ कर सकते हो it means this is also similar whether it's about our country or it's about other countries clear in every land is common life that all can recognize and understand अब यहाँ पर life का मतलब क्या बोल रहे हैं poet यानी हर एक जगह पे आप चले जाओ तो सेम ही लिविंग बींग्स हैं सेम ह्यूमन बींग्स हैं और यहाँ पे भी वही है राइट right? तो हम भी यू नो सेम है ऑलमोस्ट बोल सकते हो थोड़ा बहुत यू नो अपियरेंस ऑब्वियसली डिफरेंट है नहीं तो फिर यू नो आइडेंटिफाई कैसे करोगे डिस्टिंग्विश कैसे करोगे एंड ऑल्सो डिफरेंट कल्चर्स हैं डिफरेंट वेदर्स हैं इसकी वजह से हमारा जो क्लोथिंग होता है हमारी जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं बट बिनीथ ऑल दीज द बॉडी इज सेम राइट सेम वे एवरी वेयर यू गो इन एवरी इन एवरी कंट्री यू रिसीव एनी यू नो बोल सकते हो कोई भी लैंड पे चले जाओ दे सेम लाइफ सेम ह्यूमन बींग्स इसका मतलब अगेन दिस प्रूव दैट नो मैन आर फॉरन क्लियर सो इन दिस पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ पॉइंट यही बोल रहे हैं एवरीबडी हैज सेम आईज एवरी वन वेक्स ओपन देर आईज एवरी वन स्लीवस इन द सेम मैनर दैट इज बाय क्लोजिंग देर आईज हर किसी की स्ट्रेंथ कैन बी वन बाय लव एंड ऑल्सो कहीं पर भी चले जाओ वी हैव द सेम लिविंग बींग्स क्लियर ऑल राइट Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अब यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं लेटर्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड यानी कि हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें कहा जाता है टू हेट आर ब्रदर्स ब्रदर्स यानी जो अदर कंट्री के लोग हैं यानी कि जिन्हें हम एनिमीज कंसिडर करते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि यू you नो know, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सॉर्ट sort ऑफ of ये चीज़ समझ नहीं आती कि भाई हर एक क्या है सेम ही है तो वो लोग क्या करते हैं दे आर काइंड ऑफ कि भाई वॉर होना चाहिए फाइट होना चाहिए दे टेल यू दैट यू शुड हेट सच पीपल तो जब भी ऐसे लोग जो हैं आपको ये बोलते हैं दैट यू नीड टू हेट दीज पीपल यू शुड बी इंडल्ज इन अ वॉर ऑफ़ फाइट विद दैम इट इज़ आर सेंस यानी कि वो हम ही होते हैं दैट वी शैल डिस्पोजेस बी ट्रे एंड कंडेम पहले मीनिंग समझ लो देन विल अंडरस्टैंड दंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस प्रजेस मतलब डिसलॉज करने डिप्राइव करना वंचित करना किसी को एंड कंडेम का मतलब होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ यानी कि मना कर देना और बी ट्रे मतलब क्या होता है चीट करना यानी कि जब हम किसी और को यू नो हेट करते हैं या फिर हम किसी को एनिमी मानते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम खुद ही को यू you नो know, क्या कर रहे हैं डिप्राइव कर रहे हैं बहुत सी चीजों से हम खुद ही को चीट कर रहे हैं और हम खुद ही को यू you नो know, एक सॉर्ट ऑफ डिसअप्रूवल दे रहे हैं अपने आप को मना कर रहे हैं कैसे क्योंकि जब हम यू you नो know, किसी के लिए भी वेपन्स उठाते हैं या फिर यू you नो know, कुछ वॉर वगैरह में इंडल्स होते हैं तो हम खुद का भी तो नुकसान करते हैं वी ऑल्सो लूज आर पीपल देर आर मेनी पीपल हु लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स एंड फाइट्स देन यू नो वी ऑल्सो लूज दैट पीस हम जो हैं वो भी पीस वगैरह जो हो गया हमारा जो लैंड है जो इन्वायरमेंट है हर जगह से हम नुकसान पहुँचाते हैं खुद को भी और ऑब्वियसली सामने वाली कंट्री को भी यानी जब हम वॉर में या फाइट में इंडल्ज होते हैं तो सिर्फ हम दूसरी कंट्री के लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं सो व्हेन वी आर काइंड ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज हार्मिंग आर ओन सेल्स देन व्हाई शुड वी डू इट राइट तो पोइट जो है वो आपको यही बोल रहे हैं कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट वेन यू आर टोल्ड टू हेट सम पीपल टू हेट योर एनिमीज देन इट इज अस दैट वी आर हार्मिंग वी आर हार्मिंग आर We are dispossessing ourselves. We are depriving ourselves of many things. We are cheating our own self and also we are kind of giving disapproval to our own self. Clear? Remember, we who take arms against each other. Arms ka matlab kya ho gaya yahan par जो weapons हैं, जो भी weapons wars में या fight में use होते हैं, उनको कहते हैं arms. तो यहाँ poet बोल रहे हैं कि जब भी भी you know हम आर्म्स या वेपन्स उठाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट देन वॉट हैपन्स वो हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट बट राइट नो इन दीज फोर लाइन पॉइंट हमें यही कह रहे हैं कि जब भी हम इन सब चीजों में इंडल्स होते हैं वो वॉर्स हो या फाइट्स हो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना कि सिर्फ सामने वाली कंट्री को सो वेन वी आर हार्मिंग आर ओन सेल्स एंड वाई शुड बी डू इट राइट तो यहाँ पर हमारा भी नुकसान होता है हमारी हारमोनी पीस वो एक जो माहौल है एन्वायरमेंट है वो सब कुछ नेगेटिव हो जाता है सब कुछ हम यू नो सॉर्ट ऑफ लूज कर देते हैं अपनी लाइफ से तो यहाँ पर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं तो वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स क्लियर ऑल राइट इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं जैसे प्रीवियस लाइन को कंटिन्यूएशन में पढ़ना है कि जब भी हम किसी के लिए वेपन्स उठाते हैं वेन वी टेक आर्म्स फॉर समवन देन इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल नाउ वॉट इज डिफाइल मेक डर्टी और

ऐसा क्यों क्योंकि जब भी वेपन्स वगैरह हम उठाते हैं तो इतना ब्लड शेट होता है इतने लोगों की लाइफ जाती हैं कि वो सब क्या करते हैं हमारी लैंड हमारी मदर अर्थ को ही हार्म करते हैं और वो मदर अर्थ क्या है भाई वो हमारी मदर अर्थ है कुछ भी हार्म होगा तो हमें ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे सो वेन वी आर डूइंग समथिंग दैट इज काइंड ऑफ हार्मिंग आर ओन मदर अर्थ देन दैट इज रॉन्ग सो इट्स नॉट लाइक अगर आप वॉर या फाइट में एंडल्स होते हो आप जीत भी जाते हो तो आपने सिर्फ सामने वाले का नुकसान किया नहीं आपने अपनी पूरी मदर अर्थ का नुकसान किया है और जिसकी वजह से क्या है भाई ये ये सब चीजें रॉन्ग हैं आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दी वेर आर ओन यहां बोलते हैं कि जो हेल्थ फायर यानी कि जो इतना धुआं उठता है कंडीशन जो जो you know, होती है जो डस्ट उठती है because war में क्या होता है बहुत ज्यादा यू नो डस्ट होता है तो ये सब चीजें कर क्या रहे ये आउटरीच कर रहे हैं ये खत्म कर रहे हैं किसे द इनोसेंस ऑफ एयर द प्योरिटी ऑफ एयर जो हमें हवा मिल रही है हर जगह वो दूसरी कंट्री में भी वही एयर है यहाँ पे भी वही एयर है तो हम क्या कर रहे हैं हम अपनी एयर को ही पल्यूट कर रहे हैं हम जो है एंड कर रहे हैं द इनोसेंस ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ इन बाय इन वॉर्स बिकॉज ऑफ फायर एंड डस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पीपल आर फाइटिंग व्हेन देर आर वॉर्स गोइंग ऑन

पीपल सो वी शुड ऑल बी यू नो लिव टूगेदर इन हार्मोनी एंड पीस और यही यहाँ पोइट बोल रहे हैंड जो है वो वो यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं कि वी ऑल आर वन वी ऑल आर सेवी शुड लिव एंड सी पीपल अराउंड आर डेट एवरीबडी इज सेम एज आस सेम वे जैसे हम सेम लैंड पे वॉक करते हैं वो भी करते हैं सेम वे जैसे हमारी जब हम लाइफ खो देंगे वेन वी लूज आर लाइफ हम जिस लैंड में समा जाएंगे सेम वो भी समाएंगे राइट right? तो हर एक चीज जब सेम है कुछ डिफरेंस नहीं है तो हम क्यों इस तरीके से यू नो या पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वे जस्ट थिंकिंग दैट सम पीपल आर एनिमी सम पीपल आर नॉट आर फ्रेंड्स दे आर डिफरेंट दे आर फॉरन क्लियर सो आई होप यहां पे जैसे पोइट बोल रहे हैं कि नो मैन आर फॉरिन वो चीज़ जो है हमें भी यहाँ पर बहुत अप्रोप्रिएटली कन्वे हो चुकी है एंड वी हैव ऑल्सो गॉट टू अंडरस्टैंड दैट येस दिस इज द ट्रुथ दैट नो बड़ी इज डिफरेंट नो बड़ी इज स्ट्रेंज क्लियर सो आई होप आपको ये जो पूरी पोएम का एक सॉर्ट ऑफ समी है या फिर एक जो मैसेज है वो कन्वे हो चुका है एंड यू विल ऑलवेज यू नो ट्राई टू फॉलो दिस पाथ ऑफ हॉर्मोनी एंड पीस और कभी भी कोई आपको बोलता है दैट डीज पीपल आर डिफरेंट या फिर वॉर्स या फाइट्स की बात होती है तो यू शुड also remember this thing that it is ourselves that we are cheating and betraying and not other People clear, all right. So, with this, we come to an end of the line by line explanation of all the stanzas of the poem No Man Are Foreign. I hope you got the meaning and the theme and the message conveyed very well. Now, in the next video, we'll meet with the summary that is the complete overview of this poem. Till then, take care of yourself, and also whenever you have any doubts related to any subject, any topic, you should visit Magnet Brain's channel because you get 100% free class 4th to 12th online school education.